देखें दोस्तों, ये केरला है, ये केरला है। देखिए कितना सारा पेड़ है भाई साहब, बहुत पेड़ होता है इधर। देखो ओ भाई साहब, शीशा साफ हो गया। पहले शीशा साफ नहीं था तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, अभी शीशा साफ हो गया है पूरा। कितना मजा आ रहा है भाई साहब, अभी तो कुछ ऊपर हुआ ही नहीं है, अभी बहुत ऊपर होएगा। अभी देखिए छोटा सा नदी है, छोटा सा नदी है, पूरा चटियल जमीन है। अभी ऊपर कहाँ गया, अभी ऊपर बहुत ऊपर जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। मैं आहिस्ते आहिस्ते बोल रहा हूँ क्योंकि कोई नहीं बोल रहा है लाइट के अंदर। ये देखो भाई, नीचे एक आसमान चला गया। देखिए एक आसमान नीचे हो गया, देखिए एक आसमान नीचे है। नीचे में जो क्या बोलते हैं इसको, देखिए नीचे है, अभी ऊपर जा रहा है। छोटा छोटा सा घर दिख रहा है, वीडियो में तो दिख भी नहीं रहा है। अल्लाह अकबर। ओह अरे 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 अरे, हिल रहा भाई साहब, देखिए कैसे हिल रहा। आप लोग को महसूस हो रहा है? सफ़ेद वाला वो कैसे कैसे हिल रहा है यार, आप लोगों को दिख रहा, पता चल रहा कैसे हिल रहा भाई साहब यार, तो बहुत ज़्यादा हिल रहा है यार। ओ ये अंदर कर लिया, देखिए अंदर कर रहा है इसको ये, हाँ थोड़ा अंदर कर लिया। ओ क्या गजब है भाई, अभी भी घर वगैरह दिख रहा है। और देखिए आसमान नीचे में है कितना नीचे में आसमान है, अल्लाह अकबर। वो कितना नीचे में आसमान है और घर भी दिख रहा अभी तक, अभी तो पता नहीं कितना आसमान अभी नीचे जाएगा। ये देखिए आसमान कितना मस्त लग रहा है, अरे भाई हिल रहा कैसे, ये देखिए नीचे ऊपर हो रहा है। मतलब वो जाना जैसे वो मोड़ आता है ना, तो ऐसे मोड़ में जैसे घूमता है ना, वैसे ही घूमता है वो भाई साहब। ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वही नीचे हो गया। वही वो भाई अजीब सा फील होता है, जब ऊपर जाता था अच्छा लगता, नीचे होता तब अजीब सा फील होता है। सुबह का मौसम, सुबह का 7:20 हो रहा होगा मैक्सिमम, क्योंकि 7:10 पे खुला है, 7:10 पे नहीं 15 पे खुला, 10 पे दिया था लेकिन 15 पे मतलब उड़ान भरी है। ऑल राइट, कुर्सी की पेटी बांधे रखी है। देखिए कितना चमक रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर में आसमान, अभी तो देखे नीचे में है, नीचे में देखिए भाई साहब। आप लोग को घर दिख रहा है नहीं दिख रहा, बिल्कुल आसमान है ये, आसमान से बिल्कुल जाप किया, मतलब अब घर नहीं दिखेगा।
ये व्हाइट कलर का आसमान है, इसको क्या बोलेंगे यार मालूम नहीं। घर वगैरह नहीं दिख रहा, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, ओनली नीचे में दो आसमान हो गया। नीचे में एक आसमान हिल ही नहीं रहा, उसके बाद दूसरा वाला वो जा रहा है, अभी पता नहीं तीसरे आसमान पे उठ रहा है। क्या खूबसूरत नज़ारा है यार, वो वाला देखिए वाइट कलर का, वो भी कभी कभी आ जाएगा सामने में। ये जो पंखड़ी है ना इसका, वो देखिए कितना भाई आसमान, देखिए आसमान को जो नहीं मतलब छुआ, क्योंकि उसको काट के जाना पड़ेगा ना, अगर नहीं मिलेगा रास्ता तो उसको भी काट के जाएगा। सूरज जो है ना उस साइड में है, लेकिन मेरे को इस साइड में ये सीट मिला है तो बहुत अच्छा हुआ, कि पूरा नज़ारा देखने में मज़ा आ रहा है। कितना मस्त लग रहा भाई, लग रहा है कि पूरा जमीन है ऐसा लग रहा है, और एक भी घर नहीं है ऐसा लग रहा है। आप लोगों को वीडियो में पता नहीं कैसे दिख रहा है, अच्छा ही दिख रहा होगा। किसी चीज के अनाउंस कर रहा है, वहाँ देखिए छोटा छोटा सा घर दिख रहा है एक पिता का। भाई साहब तीसरी माह मतलब आसमान में जहाज उड़ रहा है, फ्लाइट उड़ रहा है, नीचे में एक है, उसके बाद फिर ऊपर एक है, फिर उसको एक है। क्या नज़ारा, नीचे का नज़ारा देखिए, एक चाय का पैसा 30 रुपये लिया है, कोई बात नहीं चलता है। क्या अल्लाह का करिश्मा है यार, अलग अलग सा मतलब वो आसमान देखने को मिलता है नीला, तो ये बिल्कुल कैसे मतलब रंग भी मुझे मालूम नहीं, मस्त लग रहा है भाई साहब। अगर आसमान नहीं होगा ना वो सफ़ेद वाला, किसको बोले बादल शायद बोलेगा ना, बादल बादल उसको बादल ही बोलेगा, इसका आसमान नहीं बोलेगा मेरे ख्याल से। बादल अगर नहीं होगा तो जमीन
ज़मीन दिखेगा, छोटा छोटा दिखेगा, मैं दिखेगा शायद, लेकिन बादल की वजह से ज़मीन नहीं दिखता है, नीचे का क्या है वो नहीं दिखता है। मेरा जो है ना विंडो के साइड में मेरा वो टिकट नहीं था, मेरा बीच में था, लेकिन एक आदमी को मैंने कहा कि मेरे को वीडियो बनाना है, वो हमारे उधर ही काम करता है, केरला का आदमी है लेकिन हमारे उधर काम करता है बिहार में, और तो बोले ठीक है तुम इधर आ जाओ, बातचीत करते करते एक दो मिनट में दोस्त बन गया, बोले ठीक है तुम इधर आ जाओ हम इधर बैठ जाते हैं, तो बोला कि तो मेरे को तो सोना है, अरे जी भाई आपको सोना है तो फिर आप विंडो के बगल में बैठ के क्या करेंगे यार, खिड़की के बगल में यार हमको बैठने दो, तो फिर वो खुशी खुशी वो आ गया, हमको बैठने दे दिया, वो सो रहा है, हमें तो बस में भी नींद नहीं आई क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है ना बस का सफ़र कर रहे थे, और ऐसे भी अगर सो जाएंगे तो जो है ना वो पता नहीं कहाँ लेके चला जाएगा, नहीं लेके चला जाएगा, फिर जो है ना टाइम ख़राब हो जाएगा, इसलिए नींद भी नहीं आ रही थी कि कब कहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे, पूछते रहते थे, और थोड़ा सा सोए थे वो कोच्चि एयरपोर्ट में, और जो है ना कल सुबह से मेरे सर में दर्द हो रहा, अभी तक जो है ना दर्द थोड़ा सा हल्का हुआ, अभी मूड फ्रेश है, चेहरे का तो बिल्कुल 12 बज गया है, एक तो सोने को मिला नहीं है और कल से सर में दर्द हो रहा है, और भी जो है ना ये हो गया, वो देखिए पहाड़ है नीचे में, नीचे पहाड़ है, ज़्यादा बड़ा मेरे ख्याल से नहीं है, मालूम नहीं होगा बड़ा ही होगा, वो सामने वाला बड़ा है, लेकिन उधर अभी देखने को मिलेगा, ऐसा लग रहा है ना कि फ्लाइट नहीं मतलब उठ रहा ज़्यादा है स्पीड में, मेरे को तो महसूस नहीं होता है बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि जैसे चूटी चलता है ना स्पीड में, जितने स्पीड में वैसे स्पीड में चल रहा है, अब नहीं मालूम कितने स्पीड में जा रहा है क्या है नहीं है, वो देखिए वो जो है ना वो ज़्यादा स्पीड, वो ज़्यादा वो पहाड़, बड़ा बड़ा पहाड़ है, पहाड़ है, पता नहीं वीडियो में कैसा दिख रहा है, मैं तो ओरिजिनल व्यू देख रहा हूँ, और मैं एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ हूँ और करीब से बात भी कर रहा हूँ लोगों से, कोई फ्लाइट में तो बोल नहीं रहा, लेकिन एक आवाज़ आपको सुनाई ज़रूर दे रहा होगा, गूंज रहा है एक आवाज़ बहुत ज़्यादा, लेकिन फर्स्ट टाइम में एक जो है ना वो एसी मतलब क्या बोलेगा उसको, एक आइस की तरह जो है ना वो एक फव्वारा मारता है फ्लाइट के अंदर में, लेकिन आज वो नहीं मारा ज़्यादा, थोड़ा सा मारा उसके बाद उड़ान भर दिया, मालूम नहीं, लेकिन मैं इससे पहले देखा तो बहुत ज़्यादा था, शायद जो हैदराबाद से बैठेंगे ना आपको मैं वो दिखाऊंगा उसको, शायद उसमें ज़्यादा होगा, और मुझे मालूम भी नहीं है हर चीज़ की कहाँ वीडियो बनाना चाहिए कहाँ नहीं वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए थोड़ा सोच समझ के वीडियो बनाना पड़ता है। ये पहाड़ी इलाका है, लेकिन ये पहाड़ी इलाका है, ज़मीन बिल्कुल बराबर नहीं है, देता हूँ।
बंद करता हूँ, फिर अगर अच्छा भी हो कहीं भी मिलेगा देखने के लिए तो फिर मैं आपको वहाँ पे दिखाऊँगा। आप लोग वीडियो बने रहिए।